वॉट इज यू टेक इन मीडिया हाउस इज बींग ट्राइंग टू बी डिफरेंट एंड सेंसेनाइजिंग द न्यूज एंड बींगल सम ये आपके अपने हाथ में है आप अगर उसको देखना बंद कर देंगे धीरे तो धीरे उनको ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और एथिकल होना पड़ेगा अल्टीमेटली ट्रूथ प्रिवे और ये भी सेंसेशलाइजेशन ज़्यादा दिन नहीं चलती और नहीं चलेंगे ऐसा मेरा विश्वास है बट अगर आप गोरीला हैं और आपके सामने कोई छोटा चूहा आपका एरिया कैप्चर कर रहा है तो उस टाइम आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी जो आज के मैनेजमेंट की, की थ्योरी है वो तो यही कहती है कि मैं कुछ भी ऐसे एक्शन करूं जिससे वो किल कर सकूं उसको लेकिन पर्सनली मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो एक राइट right स्ट्रैटेजी हो बी ब्रेव आपको बोर्ड होना पड़ेगा ब्रेव टू इवन टेल योर कस्टमर अबाउट योर कम्पटिटिव प्रोडक्ट हाउ डूइंग टूडे क्या डिस्कस करना चाहेंगे आज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हाउ टू गेट अटिव एडवांटेज थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट आप लोगों के हिसाब से क्या आपने क्या उसमें पढ़ा है अभी तक पूछना चाहेंगे मेरे साथ इसी विषय पर आप लोगों को जो लगता है वो कुछ शेयर करना चाहेंगे मेरे से। सेटिस्फैक्शन द मोर वैल्यू यू कैन मोर योर कस्टमर नहीं ये तो कोई बात नहीं है वो तो कस्टमर तो कहेगा इस बार वैल्यू एडिशन पे मुझे एक बात याद आती है गांव में दुकानदार होता है गांव में किसी ने देखा गांव से कौन है यहाँ दुकानदार होता है ना जी गांव में और किसान या वो सामान लेने जाता है उससे तो एक किसान गया आठ आने का गुड़ मांगा उसने दुकानदार से और गलती से अठन्नी उसके साथ चिपक के गुड़ के साथ वापस आ गई तो किसान कहता बोला बनिए ना फिर भी कुछ कमाया होगा तो आप आप वैल्यू एडिशन कितनी भी करिए आज कंज्यूमर तो चाहता है कि आप उसको डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते रहिए चीजें सस्ती देते रहिए आप अगर कहें वैल्यू फॉर मनी तो बात जमती है सो इट्स बेसिकली हाउ हैप्पी इज द कस्टमर सो आई हैव एक्सपीरियंस विद गो डैडी डॉट कॉम सो इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत ही अमेजिंग है दे सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑन अ फोन वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली सो I'm you um, by using GoDaddy.com as making a uh, website builder, so it's very good, and um, I'll be using more often. Very good, customer satisfaction, after sales service, yes. Sir, apart from uh, customer satisfaction and product differentiation, I think positioning is also very important, like creating perceptions in the minds of the customer, creating the right perceptions. So that is also creating the right perception in the mind of the customer. जी सर yeah, uh, आजकल की कॉम्पिटेटिव मार्केट्स में जैसे ई कमर्स साइट हमारी आ रही हैं तो उसमें uh, क्या होता है अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं भी निकलता तब भी लोग एक एडिक्टेड होते हैं क्योंकि टाइम बचता है तब भी वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब एक प्रेफर करते हैं राधर दैन कोई ऑनलाइन उन, उन, रिटेल मार्केट से या ऑनलाइन रिटेल स्टोर से ट बी एन एडवाटेज की कस्टमर फील स्पेश जो, जो कंपनी अपने को, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर कर रही है एंड देर मेकिंगील स्पेशल इन समाइंड ऑफ वेन कर रही है ना स्पेशल फील कब किया जाता है कि आपने मेरे को स्पेशली ट्रीट किया सो लाइक नाउ डेज इन सम होटल वेन यू आर चेकिंग इन द स्टाफ ऑफ द हटेल लाइक ग्रीच यू विद योर फर्स्ट नेम और लाइक विद योर नेम सो दैट इज लाइक समथिंग स्पेशल दैट होटल तो सो दैट ब्रांड इज डूइंग समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर एंड दे आर मेकिंग द कस्टमर्स फील स्पेशल सो दैट इज बींग आई थिंक कस्टमर सर्विस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग दैट डिफ्रेंशिएशन क्योंकि आजकल ये uh, एक आइडिया आया है कि हमारा जो रिलेशन है कस्टमर के साथ सामान बेचने के बाद ख़त्म नहीं शुरू होता है तो अगर uh, हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो ये ना, ना ही कस्टमर हम रिटेन कर रहे हैं बल्कि दूसरे कस्टमर्स जो कंपटीशन के पास है हम अपना बेस बढ़ा सकते हैं थ्रू वर्ड ऑफ माउथ सो दिस इज़ ए वेरी गुड वे टू गेट एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिशन गुड जो अभी आप सब लोगों ने कहा और राइटली सो आपने ठीक जवाब दिए लेकिन कैसे अचीव करेंगे उसको एक साइकिल क्या है हाँ जी सो आई थिंक बाय प्रोवाइडिंग इट्स फुल एक्सपीरियंस एंड कस्टमर डिलाइट विल हेल्प टू फेच द कस्टमर एंड गिविंग देम द राइट एक्सपीरियंस बट हाउ डू आई डिलाइट माय कस्टमर क्वेश्चन इज साइकिल देखिए प्रोडक्ट किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट निकाला उसके बाद एक साइकिल शुरू होता है चाहे वो एडवर्टीजमेंट का है चाहे उसको प्रोडक्ट को अवेलेबल करने का है चाहे कुछ है वो कैसे किया जाए सर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट द कस्टमर एक्चुअली वांट्स, देन ओनली डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट पहले हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर को चाहिए क्या अगर हमें ये पता होगा देन वी कैन कम अप विद चलिए वो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की बात हो गई प्रोडक्ट डिज़ाइन इसी तरह से किया जाता है जो कि हमको पता हो कि इसकी मार्केट में डिमांड है कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट तो डिज़ाइन कर लिया आपने लेकिन फिर आगे क्या कैसे करेंगे उसको ना लेट मी एक्सप्लेन यू जो जो मैंने समझा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक साइकिल राउंड थ्री सिक्सटी डिग्रीज सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जिसकी कि आप समझते हैं कि डिमांड है मार्केट में जो पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनसे अच्छा प्रोडक्ट हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो उसकी वैल्यू फॉर मनी हो और उस प्रकार से देख के कंपेरेटिव एडवांटेज भी उसमें डिसएडवांटेज भी देखने पड़ते हैं फिर कौन सा मार्केट सेगमेंट आप ट्रैक अटैक करने वाले हो अब एक प्रोडक्ट है आज मान लीजिए इसी को लीजिए एक ये पानी की बोतल है अब ये छः ब्रांड की मिलती है आठ ब्रांड होंगे और भी लोकल ब्रांड जगह जगह सब जगह है परंतु एक एक कंपनी इस बोतल को बीस रुपए का बेचती है एक पंद्रह रुपए का बेचती है तीसरी कंपनी दस रुपए का बेचती है क्या फ़र्क है पानी उसकी पानी की प्योरिटी भी वही है उसके और पैरामीटर्स भी हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने सबने डिफाइन किए हुए हैं क्यों इस, इस केस में ब्रांड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो लोग तो उन्होंने अपना एक निश बनाया अपना एक निश बनाने के लिए उनको पता है कि मैं किस मार्केट सेगमेंट को केटर करूंगा अपने प्रोडक्ट के साथ तो ये तीन चार चीजें जो मैंने बताई पहले तो प्रोडक्ट डिजाइन उस तरीके से हो दूसरा उसके अलावा उसके बाद आपका ब्रांड प्रॉमिस, यानी योर एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी रियली फुलफिलिंग व्हाट व्हाट कमिटमेंट यू आर मेकिंग तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि जो ब्रांड आपका जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कर सकता हो उससे ज़्यादा प्रॉमिस आप मत करिए बी ट्रूथफुल इन व्हाट यू से योर ब्रांड योर प्रोडक्ट विल डिलीवर आपका कम्युनिकेशन बड़ा साफ सुथरा सीधा सच्चा होना चाहिए अगर आपने कहा कि साहब ये पानी पी के आ, आपकी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी अब ये प्रॉमिस आपने कर दिया लेकिन पानी पिया मेरी एनर्जी तो नहीं बढ़ी थकावट थका मैं सोने की नीयत कर रही है तो नहीं बढ़ा तो क्योंकि ये तो गलत बात है एडवर्टीजमेंट गलत है सो से कि बी ऑनेस्ट इन promising what your brand what your product can deliver number 1 design number 2 de promise of the product number 3 availability your product should be available at a distance which customer can quickly take or take delivery of ease of availability of your product चाहे वो आप ई e कॉमर्स के थ्रू कर रहे हो तो उस तरह से करें अगर आपका प्रोडक्ट बहुत से प्रोडक्ट हैं जो ई e कॉमर्स के थ्रू भी बेचे जा सकते हैं टेलीशॉपिंग की तरफ से भी बेचे जा सकते हैं या रिटेल के थ्रू बेचे जा सकते हैं जिस भी रूप में आप बेचना चाहें आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कस्टमर के लिए ईजी होनी चाहिए इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल आप नहीं तो क्या होगा अगर आपने एडवर्टीज मैंने प्रोडक्ट अच्छा किया आपने उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर दी लेकिन आप खरीदना जब कस्टमर चाह रहा है तो वो मिल नहीं रहा है कहाँ से ढूंढें कहाँ से जाएं क्या करें तो एक बार वो इंक्वायरी करेंगे दो बार करेंगे उसके बाद उसको भूल जाएंगे क्योंकि तीसरी चीज़ पे चले जाएंगे थर्ड चीज़ अवेलेबिलिटी देन कम्स दी फोर्थ कि कस्टमर को उसकी वैल्यू फॉर मनी मिला के नहीं मिला जो आपने प्रॉमिस किया था वो उसको मिला के नहीं मिला ये कस्टमर को पता लगा उसको लगा कि हाँ इन्होंने जो कहा था जैसा कहा था वैसा प्रोडक्ट मुझे आसानी से मिल गया तो उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ये जब पहली तीन चीज़ें कर ली तो ये चौथी चीज़ इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री थिंग्स इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वो कस्टमर डिसाइड करेगा